गई तसल्ली। लड़की है मीनाक्षी नाम की, वो तुम्हें पान खिलाती है, वो पान मीठा होता है। एक सेकंड, वो पान मीठा होता है और अगर तुम्हारे इधर से लग जाए तो वो हटा देती है ऐसे करके। ये तुम्हारा लगा है, हटा दो। तो उसका काम है ना, देखो मेरी बात सुनो। ये क्या देखो है? मैं नहीं, खत्म हुआ है। मुझे तो पहले जो ये वीडियो में मीनाक्षी हो रहा है ना, वो जानना है मुझे तो पहले। मैंने पूछवा दिया ना, मीनाक्षी नहीं है। शाम को पूछवाने से क्या होता है? हाँ तो दोस्तों, मैं करण तुम्हारा भैजी और वापस आ गया एक और नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में कुछ खास होने वाला है। और हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है तो मैंने सोचा कि व्लॉग शूट कर लेता हूँ। माफी चाहता हूँ, इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहे। और आज तुम्हारी भाभी मिलने आने वाली है, यानी रुचिका। तो आज मैं रुचिका को थोड़ा सा परेशान करूंगा, मतलब डांटूंगा, थोड़ा इग्नोर करूंगा। तो देखते हैं व्लॉग में क्या होता है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। और सबसे बुरी बात की यार, बारिश हो गई। मैंने जो सोचा था ना, उस पर पानी फिर गया है, फिर गया और बुरी तरीके से फिर गया। तो व्लॉग में बने रहना एंड तक, मैं रुचिका को लेके आता हूँ। अरे रुचिका आते ही मेकअप कर रही थी और मेरे को देखते ही छुपा रही है। बारिश हो रही है, क्या करोगे मेकअप करके? ऐसे ही कर रही हूँ, उतर जाएगा सारा। स्वेटिंग हो गई ना। बिना मेकअप के अच्छे लगते हो। देखो, देख रहे हो, लड़कियों की तारीफ कर दो तो कितना, मतलब चने के झाड़ पे चढ़ जाती हैं। पर नहीं, सच में रुचिका ना, नहीं सच में रुचिका बिना मेकअप के अच्छी लगती है। मेकअप नहीं करना चाहिए लड़कियों को, मैं तो यही कहता हूँ। सब लड़कियों को कहता हूँ, मैं बुरा तो नहीं मानोगे ना, सबको कह रहा हूँ। तो सब लड़कियों को यही कहूंगा कि यार मेकअप मत करा करो। हाँ तो मेकअप मत करा करो यार, ठीक है? ये तो अपने लिए करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हाँ, मेकअप में जितना टाइम वेस्ट करते हो, उससे अच्छा मुझसे बात कर लिया करो। ज्यादा बोलो मत, बहुत जवान चल रही है आपकी। चलो अब चलते हैं आगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और मेकअप मत करो, बारिश हो रही है यार। तो अभी हम जा रहे हैं हिमांशु के पास। ओ हीरो, मास्क तो पहनो, देखना हीरो साहब। हेलो, गाड़ी चला लूं? हाँ तो बोल लो ना। बारिश हो रही है, गाड़ी चलाऊं कि तुम्हारी तरफ देखूं? व्लॉग कोई टाइम होता है व्लॉगिंग का, किसी अच्छी जगह करो ना। बंद कर दो क्या उसमें, क्या टाइम से करो किसी जगह पे। क्या हो गया? तो हिमांशु को ले लिया है और बारिश का मौसम हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं चाय पीने चलते हैं। तो हिमांशु और मैं चलते हैं चाय पीने फटाफट से, और कुछ अगर कुछ खाने को मिलेगा तो वो भी खा लेंगे। तो हिमांशु, भूख लग रही है ना भाई? बस लग रही है। चाय पीने का मन तो कर ही रहा होगा, मौसम अच्छा है। अब गढ़वाली है तो तुम्हें पता ही है कि चाय ज्यादा पीते हैं, ठीक है ना? तो व्लॉग में बने रहना। तो हिमांशु और मैं चलते हैं फटाफट से, कुछ खाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी एंड तक बने रहो। सो गाइस, बहुत देर से हो गई है, हिमांशु और करण ही पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मेरे को तो भूल ही गए, मैं इनविजिबल हो गई हूँ क्या? हेलो, अभी फिर तो कहेंगे गाड़ी चला रहा हूँ मैं। तो टोकूंगा नहीं मैं, आगे देखूं फिर। अभी मैंने इससे पहले ही बोला तो मैंने कि... कौन सा बोला, किसने बोला कि कैमरे पे देखो? बनाते रहो, मैं अपना गाड़ी चला रहा हूँ, मुझसे मत पूछो फिर कुछ। सो अभी करण और हिमांशु गए हैं चाय लेने। बारिश वैसे हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन घर पे होते हैं ना तब अच्छी लगती है, जब बाहर निकल जाओ तो बस कीचड़ कीचड़ हो जाती है फिर। ओके सो आ गए हैं चाय और पता नहीं क्या लेकर। ये करण, हिमांशु, OMG चाय। और सॉरी, मेरे को याद आ गया। अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया, आपके लिए भी चाय लेनी है। क्या मतलब आपके लिए भी लेनी है? मैं भूल गया था। क्यों भूल गए थे? पीछे आ जाओ यार तुम। तो बारिश में ब्रेड पकोड़ा और चाय खाने का मजा, चाय पीने का मजा अलग ही है। और रुचिका के लिए मैंने ले लिया, मैं भूल गया था, सच में मैं भूल गया था। तो सुबह से भूल ही रहे हो सब? नहीं, मैं सच में, मेरे को याद आया फिर कि एक और जना बैठा गाड़ी में, मेरे को सीरियसली याद नहीं था। और हिमांशु टपाई टप चाय पी रहा है, बाकी खाते हैं भाई। और चलो ठीक। और ये गढ़वाली लोगों के लिए तो सिर्फ चाय ही जीवन है, और जीवन ही चाय है, चाय ही जीवन है। और सुबह उठते हैं, मैं चाय चाहिए होती है और पूरे दिन भर चाय चाहिए होती है। जितनी बार घर में चाय बनती है तो मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए भी बना देना। और अब घर वालों को इतनी आदत पड़ गई है कि वो पूछते ही नहीं है, वो कहते हैं ये तो पिएगा ही पिएगा। तो चाय ही जीवन है, मतलब इन द एंड जो निकलता है सब कुछ, वो चाय ही जीवन है। तो सुमित भी आ गया है और बारिश बहुत तेज हो रही है, फिर भी हमने सोचा थोड़ा सा आ जाते हैं पार्क में, पर बारिश काफी ज्यादा है। तो अभी हम जा रहे हैं मीनाक्षी मीठा खाने, सही कहा ना? बिल्कुल भाई, मीनाक्षी मीठा। ये बोल रहे हैं मीनाक्षी मीठा क्या है, वो पान की। अरे भाई सच में, हिमांशु तुम फोन पकड़ो, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। हिमांशु फोन पकड़ेगा, सब क्लियर कर देंगे। तो भाई ये मेरी अदालत है और यहाँ पे ना एक फैसला होने वाला है। एक बात बताओ, अभी मैंने बोला हम मीनाक्षी मीठा खाने जा रहे हैं, ठीक है, पान है वो। तो भाई तू सच बता, तू अभी मिला मेरे को, तू बता दे। देखो मैं देख नहीं रहा इसकी तरफ, ठीक है? तू एक बार बता दे मीनाक्षी मीठा क्या है, बता दे, ये बता। मीनाक्षी मीठा मैं बताता हूँ आप लोगों को, मीनाक्षी मीठा क्या है। मीनाक्षी नाम की एक लड़की है
और मीठा जो होता है ना वो पान होता है, ठीक है। मीनाक्षी नाम की एक लड़की है, वो मीनाक्षी लड़की उसको पान खिलाती है, और जब जैसे लग जाता है ना तो वो पोस देती है उसको, उसको कहते हैं मीनाक्षी मीठा पान। हो गई तसल्ली, लड़की है मीनाक्षी नाम की, वो तुम्हें पान खिलाती है, वो पान मीठा होता है। एक सेकंड, वो पान मीठा होता है, और अगर तुम्हारे इधर से लग जाए तो वो हटा देती है ऐसे करके, ये तुम्हारा लगा है हटा दो। तो उसका काम है ना, देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं सिंपल सा बताता हूँ, लॉजिक सुनो, मेरी बात सुनो। मीनाक्षी मीठा खाने जा रहे हैं हम, पान का नाम है, और उस पान का नाम मीनाक्षी मीठा क्यों रखा है? मीनाक्षी नाम की एक लड़की है दुकान पे, वो खिलाती है मीठा पान, और बंदों को इतना पसंद आया ना उसका पान की जो दुकान के ओनर है उन्होंने नाम रख दिया मीनाक्षी मीठा। सुनो आप, रात रात को भी जाते रहते हो तो भाई एक बात बताओ, वो आती है, देखो अगर पान खाया ना तुमने, थोड़ी सी चटनी या कुछ बाहर निकल जाता है, तो वहां से पूछ देती है कि आप सर आपके लग गया, तो यार कौन नहीं जाएगा पान खाने, एक बात बताओ, पता चल जाएगा, मेरी बात क्या पता चल जाएगा, बोलते हैं ना तो थोड़ा मीठा भी कम है। मुद्दे की बात होने वाली, देखो कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं रुचिका को लेके जाऊंगा और मीनाक्षी मीठा खिलाऊंगा, लड़ना मत उससे अगर वो ऐसे पहुंचेगी मेरे, फिर फिर लड़ना पंडित जी से, आप लड़ना मत, देखो लड़ना, लड़की क्यों रखी आपने, खिलाते यार, देखो मैं खिला के इसको दिखा देता हूँ, एक बार रुचिका को खिला के दिखा देता हूँ, मैं भी तो दो बार गई हूँ, वो तो दिखी नहीं। तो आपने मीनाक्षी मीठा मांगा, तो मीनाक्षी मीठा मांगने पे ही लड़की पैदा हो जाती है, तो शाम के टाइम पे रहती है ना लड़की, देखो क्लियर कर देते सब कुछ, ठीक है। तो मीनाक्षी मीठा खाने जाएंगे, बाकी आपको नहीं खाना तो कोई बात नहीं, पर मैं पहले कह रहा हूँ वहाँ पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए कुछ भी, देखो अगर लगेगा तो पहुंचेगी भाई, और भाई पैसे की चीज के ले रहे हैं हम, सब हंस रहे हैं, मुझे कौन हंस रहा है, कोई बात नहीं, लड़ना मत, वहाँ प्रॉमिस करो अभी कैमरे पे लड़ोगे नहीं, तो टिश्यू से साफ करोगी तो लड़ोगे, तो आप हमेशा जाते रहते हो, फिर वो भी क्या, तो यार भाई एक बात बताओ, अगर मैं पान खा रहा हूँ मेरे लगेगा तो लड़की ने साफ कर दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? जब पता है लड़की खिलाती है तो बार बार क्यों जाते हो आप? तभी तो जाते हैं, लड़की खिलाती है तभी तो बार बार जाते हैं, ठीक है सिंगल लोग जाते हैं वो बात ठीक है, लेकिन आप क्यों जाते हैं? तो भाई लड़की खिलाती है तभी तो जा रहे हैं, लड़की खिलाती है। चलो कोई बात नहीं, अब मीनाक्षी मीठा का प्लान कैंसिल करते हैं, ठीक है, नहीं खाना ना, देखना है मुझे कौन है, फिर लड़ना नहीं है भाई, वो बात की बात है, चलो भाई देखते हैं अब। मीनाक्षी के हाथ का मीनाक्षी मीठा खाना है, मीनाक्षी के हाथ का नहीं, मेरे हाथ का पड़ेगा। तो अभी रुचिका सुमित से पूछ रही है कि मीनाक्षी कैसी दिखती है, भाई ये क्या बात हुई, अब सकल मैं कैसे बता दूं ऐसे, देख मैं बता रहा हूँ, हाइट में ठीक ठाक है वो, गोरी चिट्टी है, ठीक है, लेकिन ये मीनाक्षी जो कहते हैं ना पान, सेम खिलाने लायक है, हाइट तो पता होगी कैसी है, कितनी हाइट है, मेरे से थोड़ी हल्की होगी, मेरे जैसी होगी, मेरे जैसी है, मुझसे हल्की थी बड़ी, मतलब पान खाने लायक है ना, उसके हाथ से मजा आता है ना पान खाने में, अब बोलते हैं ना चटनी का, मैं तो जो भी मीठा होता है वो खिला देते, मीठा भी खिला देते, मजा तो आपको बताऊंगा, पंडित जी भी बोल देंगे, मतलब दिन में एक ही खाता हूँ शाम के टाइम जब जाता हूँ, शाम के टाइम ही खाता हूँ बस एक बार, छोड़ो ना वहाँ क्या चाना, मीनाक्षी मीठा क्या खाना, अभी बातें मत पलटो, चलो चुपचाप, ये क्या बात हुई यार, अरे जब होगी नहीं, कहाँ पे तो नहीं थी, कहाँ पे नहीं थी, वहीं से आए, अरे आज आज छुट्टी है, मैं कह रहा हूँ मोहर्रम की छुट्टी होगी आज, तो आपने लड़ना है क्या उससे, ज्यादा वो शाम को रहती है वैसे भी, अब देख के क्या करोगे यार, छुट्टी है भाई आज, मुझे कंफर्म करना, मुझे ऐसा लग रहा है सब झूठ बोल रहे हैं, कंफर्म करना तो पंडित जी से कंफर्म, जब पंडित जी से पूछवा दूंगा, ठीक है पंडित जी से पूछवा देते हैं, पक्का ना, लाउड स्पीकर पे बात करो, लाउड स्पीकर पे मैं जाके पूछवा रहा हूँ, भी पूछेंगे ना फेस टू फेस, और वो हुई तो लड़ना मत बस, प्रॉमिस लड़ोगे नहीं, क्यों नहीं लड़ोगे, आप रोज जाते हो शाम को, अरे तो मैं पानी तो खाने जा रहा हूँ, अरे मीनाक्षी मीठा खाने जाना है, नहीं खाना, मैंने खाना नहीं है, मैंने देखना है कौन है, तो देखना क्या है, जब तक वो खिलाएगी नहीं तो वो पहुंचेगी कैसे, तो वो क्यों नहीं खिलाएगी, आप तो बोल तो खिलाती है ना, तो भाई लड़के खाते हैं ज्यादातर, तो लड़के खाओ लो ना, अभी लड़के ही तो हो, मेरे साथ लड़के नहीं हुए, लड़ोगे नहीं फिर, अब वो बात की बात है, आप पहले चलो, पक्का हाँ, लड़ना नहीं भाई, देख लो तुम्हारे सबके सामने कह रही है तुम्हारी भाभी, लड़ोगे नहीं, हाँ ठीक है चलो, पक्का ठीक है ना, चले नहीं चले बहनी, चलो भाई बस अंडा हो गया यार, बस हो ना, बस मुझे तो लग रहा फिर नहीं होंगी तो फिर ये बोलेंगे कि तुम शाम को ही जाते हो, मैंने कहा कि अगर नहीं है कोई बात नहीं, अभी नहीं जाना है ठीक है, लेकिन वीडियो चाहिए मुझे जो खिला, क्या कह रहे हो तुम, मैं तो कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए, खामखा ही लड़ाई हो जाएगी, आप तो बोल दिया है ना, तो फिर भी लड़ाई हो, अब ऐसे मुश्किल होगी क्राउड में आती हो जाता है, खाली में तो फिर भी, भाई साहब मुझे देखो ना, तीनों के तीनों हाँ में हाँ मिला रहे हैं, अरे तीनों के तीनों, तो जब
चलो तब मैं क्या बोलूं, मुझे वीडियो चाहिए। चलो ठीक है, किस चीज की वीडियो दूं? आज शाम को चले जाना, जब मैं चली जाऊंगी तो आज आएगी नहीं वो, पूरी दिन भर कल तो आएगी, परसों तो आएगी, नरसों तो आएगी। चलो आप चाहते हो ना मैं मिलूं, मतलब जाऊं कल परसों? ठीक है चले जाओ, मिलूं उससे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, वीडियो चाहिए बस मुझे। चलो ठीक, एक बात बताओ पंडित जी, यहाँ पे एक मीनाक्षी नाम की लड़की मीनाक्षी मीठा पान खिलाती है ना? खिलाती तो नहीं, खाती है। अरे जब शाम को आते हैं हाँ। वो अपने मुंह से नहीं खिलाती है टिश्यू से? पूछ लो, अभी है नहीं ना वो? नहीं अभी नहीं, शाम को आती है। इनको विश्वास नहीं हो रहा? नहीं लड़की है। हाँ लड़की, लड़के में फर्क पता लग ही जाता है। बस भी हो गया, लेकिन पान का नाम भी मीनाक्षी से लगा नाम भी है ना, हो गया विश्वास? मीठा खाओगे मीनाक्षी मीठा? तो अभी मीनाक्षी तो है ही नहीं, अभी खाओगे मीनाक्षी मीठा? मतलब कब आएगी पंडित जी मीनाक्षी? शाम को खाने आ जाऊं दोबारा पक्का? यही बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, यही आ जाओ ना। क्यों तो बारिश तो मेले भी हो रही है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, करना तो कुछ नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ है। मुझे तो पहले जो ये वीडियो में मीनाक्षी मीनाक्षी हो रहा है ना, वो जानना है मुझे तो पहले। मैंने पूछवा दिया ना मीनाक्षी नहीं है, शाम को पूछवाने से क्या होता है? पूछवाने से कुछ नहीं होता है, मुझे वीडियो देनी है बस। जब मैं तो ले गया ना, ठीक है मैं गुस्सा नहीं करूंगी ना, बस बात खत्म, वीडियो आ जाएगी, आप लोग भी देख लेना कौन मतलब जबरदस्ती है। और ये मीनाक्षी पान होता कैसे है मुझे भी देखना है। मैंने बता दिया जब पान है ना, पान का नाम वो खिलाती है, सिर्फ मीनाक्षी पान रख दिया तो कोई नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ। भाई मैंने तो दिखा दिया, देखो नहीं पता बस यार, ये क्या बात होती है, एंड करो भाई, ये तो जबरदस्ती है भाई, ये तो जबरदस्ती मेरे को पीसा जा रहा है, गन्ने को मशीन में पीसा जा रहा है। देखो मीनाक्षी मीनाक्षी नहीं मिली, शुरू किसने किया मीनाक्षी के पास जाके, किसने शुरू किया भाई? अब लड़की पान खिलाती तो मैं क्या करूं? तो आपने अभी क्यों बताया? अब जब बताया है तो फिर ये भी दिखाना पड़ेगा कौन है ना, आप लोग भी जानना चाहते होंगे। नहीं ये कोई बात नहीं होती, ठीक है बाकी बस, 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 तुम सब्सक्राइब कर देना ठीक है, मीनाक्षी को देख लेंगे, मीनाक्षी जो भी है तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बारिश बहुत तेज हो रही है तो सब्सक्राइब कर लो और फैला दो वीडियो को।